Hey guys, welcome back to another video of AKG. आज चल रहा था संगीत, ये संगीत के स्टेज है लेकिन अब सब उखड़ चुका है। मैं उखड़ गया रहता तभी वीडियो बनाता हूँ। संगीत से भी आपके लिए जो है वीडियो लेकर के, और आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी लेकिन तीन खबरें और तीनों गजब की हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प अस टू रीच 100K के सब्सक्राइबर वाला मार्क। एक महीने से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब तो कर दो यार, ठीक है। तीन खबरें हैं, तीनों तगड़ी हैं। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहली खबर है तेबास भाई साहब रीइलेक्ट हो चुका है एसडी लालीगा का प्रेसिडेंट। क्या बात कर रहे हो बड़े भाई। और जो रीजन के लिए चलते वो रीइलेक्ट हुआ है ना, वो सुन करके तुम चौंक जाओगे। दूसरी चीज़ अपन बात करने वाले हैं मैसी के स्टेटमेंट्स अबाउट सऊदी अरेबिया। और तीसरी खबर जो है वो है एम्बाप्पे को दिया हुआ अल्टीमेटम फ्रॉम रियल मैड्रिड। ये तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया हुआ था लेकिन उसका मेन कंक्लूजन क्या है वो आज की वीडियो में। तो वीडियो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेबास के प्रेसिडेंट वापस से बनने के ऊपर। तो दोस्तों आपको शौक होगा जान करके कि रीइलेक्शन हुआ, रीइलेक्शन में तेबास वापस से प्रेसिडेंट बन गया। अब इसके पीछे का रीजन क्यों क्या है कि भाई वो फिर से प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि एवरीबॉडी शॉक्ड राइट ना, वो चाहे रियल मैड्रिड फैंस हो चाहे बार्सा फैंस हो, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि भाई अब वापस से कोई एक अच्छा प्रेसिडेंट आएगा जो लालीगा को वापस उस स्टेज में लेके जाएगा जो प्रीमियर लीग से कम्पीट करने वाला आ रहा था लालीगा का, वो वाला लालीगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस से रीइलेक्ट हो गया है। तो लोग जानना चाह रहे हैं रीजन। रीजन ये है कि एस भाई लालीगा के द्वारा जो रिपोर्ट निकली गई है उस पे ये लिखा था कि कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ तेबास के अगेंस्ट। तो एक ही कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ेगा तो एट द एंड वही जीतेगा, एग्जैक्टली वो हुआ है। अब ये कितना ज्यादा शॉकिंग है दोस्तों आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि क्या स्पेन में कोई और नहीं है जो खड़े हो सकता है भाई? पता नहीं क्या हो गया यार, एक ही बंदा खड़ा हुआ, उसी को इलेक्शन जिता दिए, उसी को इलेक्शन जिता दिए। अभी वो एक इंटरिम प्रेसिडेंट है लेकिन 17 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली ये है कि अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो कंफर्म हो जाएगा कि तेबास प्रेसिडेंट बनेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे वो वापस से रीइलेक्ट हो गया है और कैसे उसको वापस से जो प्रेसिडेंट बना दिया गया है। क्योंकि बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, जेरार्ड पीके खड़ा हो सकता था, तो बहुत सारे यार स्पेन में नामची लोग, लेकिन देखो यही अकेले खड़ा और यही बन गया प्रेसिडेंट। खैर अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है एम्बाप्पे से रिलेटेड जो रियल मैड्रिड का अल्टीमेटम। तो मैंने आपको एक वीडियो में जरूर ये बता दिया था कि भाई एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम आपको जनवरी में एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने 15 दिन में साइन नहीं किया तो हम आपको नहीं लाएंगे क्लब में। लेकिन इसका रीजन ये सामने आया है क्योंकि रियल मैड्रिड ने पिछले दो सीजन में एम्बाप्पे के पीछे अपने लिए कोई स्ट्राइकर खरीदा नहीं कि एम्बाप्पे आएगा, और एम्बाप्पे आते नहीं हरामखोर साला। तो रियल मैड्रिड ने ये एक्सटेंशन, मतलब ये एक डेडलाइन दे दी कि 15 दिन में तू साइन कर, और अगर तू 15 दिन में साइन नहीं करता है तो तुम लोग को पता है वो कौन से स्ट्राइकर के पीछे जा रहे हैं? जा रहे हैं अर्लिंग हालैंड के ऊपर। अब तुमको भी अनबिलीवेबल लग रहा होगा, अनरीजनेबल लग रहा होगा कि भाई अर्लिंग हालैंड के ऊपर जाएंगे और मैन सिटी जाने देगी उसको? दोस्तों एस पर रिपोर्ट्स 175 मिलियन का कोई ऐसा रिलीज क्लॉज लगा हुआ है, एंड अगर रियल मैड्रिड 200 मिलियन दे रही है एम्बाप्पे के लिए तो 175 का रिलीज क्लॉज देकर के अर्लिंग हालैंड को ऑब्वियसली मैन सिटी से ला सकती है रियल मैड्रिड। लेकिन इसके पीछे भी एक कैच है, वो कैच ये है, अगर वो रिलीज क्लॉज एक्टिवेट होने से पहले या इवन बाद में मैन सिटी एक नया कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट कर देती है अर्लिंग हालैंड को विद अ न्यू रिलीज क्लॉज और इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंप्रूव्ड वेजेस, तो ऑब्वियसली जो है वो फिर रिलीज क्लॉज का कोई महत्व ही नहीं रहेगा क्योंकि नया अग्रीमेंट इन प्लेस हो जाएगा। तो ये कहानी हो गई भाई रियल मैड्रिड और एम्बाप्पे की और अर्लिंग हालैंड की। आखिरी खबर की बताया जाता है और वो है आपके प्यारे लियो मैसी से रिलेटेड। तो कल लियो मैसी का एक इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सऊदी के बारे में आपका क्या मानना है। अब यही सेम सवाल रोनाल्डो से भी पूछा गया था जी एमएलएस के बारे में आपका क्या मानना है, और उन्होंने क्या कहा था कि एमएलएस इज अ इन्फीरियर लीग देन सऊदी, सऊदी इज अ मच बेटर लीग। जब इससे ये पूछा गया ना कि सऊदी अब जा, तो मैसी क्या कहता है कि देखो मेरा जो मेन टारगेट था इस ट्रांसफर विंडो में वो था बार्सिलोना, मैं बार्सिलोना जाना चाहता था, लेकिन इन केस बार्सिलोना जो है वो कंप्लीट नहीं होता तो दो ऑफर्स मेरे टेबल में रखे हुए थे जिसमें मैं जाना चाहता था। दूसरे यूरोपियन क्लब से तो ऑफर्स थे लेकिन ये दो ऑफर्स के ऊपर मेरी नजर थी। एक ऑफर था फ्रॉम भाई साहब अमेरिका एमएलएस जहां वो ऑब्वियसली है, एंड दूसरा ऑफर था सऊदी अरेबिया की तरफ से। और एज पर लियो मैसी का रिपोर्ट, लियो मैसी ये कह रहे हैं कि भाई जो सऊदी का ऑफर था उससे वो काफी ज्यादा इंप्रेस थे, वो जो है वो सऊदी के ऑफर को एक बार सोच भी रहे थे कि यार एक्सेप्ट कर लूं क्या, लेकिन लियो मैसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लियो मैसी सऊदी के बारे में कुछ ऐसा कहे थे, अब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मेरे को याद नहीं है, लेकिन कि सऊदी भी एक बहुत अच्छी लीग हो गई है, वहां पे भी उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा दिया है और उन्होंने इतने अच्छे अपनी टीम्स बना ली है कि वो भी जो है वो बेस्ट प्लेस रख सकती है यूरोपियन टीम्स के साथ। तो मैं थोड़ा सा झुका था, मेरा झुकाव था थोड़ा सऊदी के प्रति, लेकिन आखिरी में सब फैमिली के साथ चर्चा कर करके वी चोज इंटर मियामी। तो ये लियो मैसी के थॉट्स अबाउट सऊदी अरेबियन फुटबॉल। खैर इस थॉट के पीछे एक रीजन ये भी है दोस्तों कि लियो मैसी इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर सऊदी अरेबिया का 2030 का
जो भी वो कहानी रच रहे हैं फुटबॉल से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली ये का रीजन भी है कि उन्होंने तारीफ करी, बुराई नहीं करी, क्योंकि पैसे तो वहां से भी मिल रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज की खबरें जिसमें हमने तीन मेन टॉपिक्स को करा। आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन वाला यार कंसिस्टेंसी मायने रखती है, रोज वीडियो डालेंगे तो डाल ही रहे हैं कार के अंदर से, क्योंकि बाहर बहुत शोरगुल हो रहा है। मिलता हूं आपसे कल ऐसी वीडियो के साथ, दिल्ली नेक्स्ट इंडिया में, शुक्रिया बड़े कर पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। सका डीएनए भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज, दिमाग में चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ।